मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे विश्वास है कि 31 अक्टूबर की तारीख आप सबको अवश्य याद होगी। यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती का है, जो देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले महानायक थे। सरदार पटेल में जहां लोगों को एकजुट करने की अद्भुत क्षमता थी, वहीं वे उन लोगों के साथ भी तालमेल बिठा लेते थे जिनके साथ वैचारिक मतभेद होते थे। सरदार पटेल बारीक से बारीक चीजों को भी बहुत गहराई से देखते थे, परखते थे। सही मायने में वे मैन ऑफ डिटेल थे। इसके साथ ही वे संगठन कौशल में भी निपुण थे। योजनाओं को तैयार करने और रणनीति बनाने में उन्हें महारत हासिल थी। सरदार साहब की कार्यशैली के विषय में जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो पता चलता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होती थी। 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों की संख्या में डेलीगेट्स पहुंचने वाले थे। अधिवेशन की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी सरदार पटेल पर थी। इस अवसर का उपयोग उन्होंने शहर में पानी सप्लाई के नेटवर्क को भी सुधारने के लिए किया। यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी पानी की दिक्कत ना हो। यही नहीं, उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि अधिवेशन स्थल से किसी डेलीगेट का सामान या उसके जूते चोरी ना हो जाए। और इसे ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल ने जो किया, वह जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। उन्होंने किसानों से संपर्क किया और उनसे खादी के बैग बनाने का आग्रह किया। किसानों ने बैग बनाए और प्रतिनिधियों को बेचे। इन बैग्स में जूते डाल अपने साथ रखने से डेलीगेट्स के मन से जूते चोरी होने की टेंशन खत्म हो गई। वहीं दूसरी तरफ खादी की बिक्री में भी काफी वृद्धि हुई। संविधान सभा में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए हमारा देश सरदार पटेल का सदैव कृतज्ञ रहेगा। उन्होंने मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया, जिससे जाति और संप्रदाय के आधार पर होने वाले किसी भी भेदभाव की गुंजाइश न बचे। साथियों, हम सब जानते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने का एक बहुत बड़ा भगीरथ वाला ऐतिहासिक काम किया। सरदार वल्लभ भाई की यही विशेषता थी, जिनकी नजर हर घटना पर टिकी थी। एक तरफ उनकी नजर हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केंद्रित थी, वहीं दूसरी तरफ उनका ध्यान दूर सुदूर दक्षिण में लक्षद्वीप पर भी था। दरअसल जब हम सरदार पटेल के प्रयासों की बात करते हैं, तो देश के एकीकरण में कुछ खास प्रांतों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है। लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बात को लोग शायद ही याद करते हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि लक्षद्वीप कुछ द्वीपों का समूह है। यह भारत के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्यवाही शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से कहा कि वो त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कुछ करें और वहां तिरंगा फहराए। लक्षद्वीप में तिरंगा पहला फहरना चाहिए। उनके आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। इस घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार ब्रदर से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप को विकास के लिए हर जरूरी मदद मिले। आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसके खूबसूरत द्वीपों और समुद्र तटों की यात्रा करेंगे।